खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। माड़ा थाना अंतर्गत युवाओं में नशे की लत लगा रहे एक आरोपी को पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। आरोपी किराने की दुकान की आड़ में गांजे का व्यापार कर रहा था। वहीं अपनी दुकान में छोटी छोटी पुड़िया बनाकर इलाके के युवाओं को बेचा करता था। आपको बताते चले कि सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा जिला सिंगरौली में चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों और नशे के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर और एसडीओपी सिंगरौली राजू पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माड़ा निरीक्षक नागिन प्रताप द्वारा गठित पुलिस टीम ने मुखबिर के आधार पर ग्राम रौदी में प्रीतम सिंह के किराने की दुकान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को उसके दुकान से सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के थैले में गांजे की बनी छोटी छोटी पुड़िया समेत गांजे की पत्तियां और डंठल भी प्राप्त हुए हैं। पुलिस के द्वारा पकड़ा गया गांजा कुल 710 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब हजारों रुपए में आकी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रीतम सिंह पिता शिवचरण सिंह उम्र 52 वर्ष पर अपराध क्रमांक 708/23 धारा 820 NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।